आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है चित्रकूट से, जहां विद्यालय खुला नहीं, भवन ध्वस्त, ठेकेदार व जेई ने मिलकर धमकियां किया बंदरबांट। जानकारी के अनुसार जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार हर गांव में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर स्कूल भवन का निर्माण करा रही है, तो वहीं सबको शिक्षित करने हैं तो कृत संकल्पित वही सरकार के ही नुमाइंदे ठेकेदार के साथ मिलकर भवन निर्माण के लिए आए धन को बंदर बांट कर घटिया निर्माण कार्य करा रहे हैं। घटिया निर्माण कार्य के चलते विद्यालय संचालित होने से पहले ही ध्वस्त हो गया। अगर वहां बच्चे पढ़ते होते तो शायद घटिया निर्माण के चलते जान हानि भी हो सकती थी। कुछ ऐसा ही मामला विकासखंड पहाड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत ममसी बुजुर्ग में निर्मित राजकीय हाई स्कूल भवन का है, जहां गांव के सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 2015 से बने बाबा सूर्य भानु सिंह जी ने गांव में ही विद्यालय के लिए 2 बीघा जमीन दान दी थी, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्कालीन जिलाधिकारी बलराम के समय शिलान्यास किया। वह समाज कल्याण निर्माण द्वारा 52 लाख लागत से ठेकेदार द्वारा तत्कालीन जेई योगेश कुमार और ठेकेदार प्रमोद मड़ी के द्वारा देखरेख में निर्माण कार्य कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य में गांव में स्थित नदी के बालू के प्रयोग किया गया और सीमेंट भी मानक के अनुसार प्रयोग नहीं किया गया और ईंट भी उसकी क्वालिटी एकदम दोयम दर्जे की रखी गई, जिसके चलते लाखों रुपए की लागत से बनाया भवन हैंडओवर होने से पहले ही ध्वस्त हो गया। भवन की दीवार जगह जगह से फट गई है, फर्श का नामोनिशान नहीं है, खिड़कियां दरवाजे ही भी नहीं हैं। कुल मिला के कह सकते हैं सरकारी पैसे का यूं हो रहा है बंदरबांट। ब्यूरो रिपोर्ट, चित्रकूट से रहमत अली।